जैन साथियों, गोरखपुर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जनपद आप सारे लोग जानते होंगे। ये जहां एक ओर योगी जी के क्षेत्र के रूप में मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से बच्चों की मरने की खबर हर साल गोरखपुर जनपद से आती रही है। लेकिन आज जो हादसा हुआ है, जो घटना सामने आई है, वो बहुत ही दर्दनाक है और हमारी व्यवस्था पर एक गंभीर सवालिया निशान उठा रही है। हमारी बिगड़ी क्रूर व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। गोरखपुर के अंदर 30 मासूम बच्चों की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई। आप कल्पना कीजिए कि अस्पताल में ऑक्सीजन, जो एक मरीज की जिंदगी के लिए बहुत अहम और जरूरी होता है, इंसेफ्लाइटिस वार्ड में, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई एक प्राइवेट फर्म के द्वारा की जा रही थी, उस प्राइवेट फर्म ने ऑक्सीजन की सप्लाई 36 घंटे पहले, 48 घंटे पहले बंद कर दी। और वो सप्लाई इसलिए बंद कर दी कि 69 लाख रुपए उस कंपनी का बकाया था। यानी जो प्राइवेट फर्म बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, उस प्राइवेट फर्म का पैसा बकाया होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। कहीं सिलेंडर से इंतजाम करने की कोशिश की गई, कुछ घंटों तक बेपरवाह रहा पूरा का पूरा प्रशासन और अस्पताल का पूरा तंत्र, डॉक्टर्स, मरीज परेशान रहे, बिलखते रहे, रोते रहे, मासूम बच्चों के माँ बाप चिल्लाते रहे, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम उनके बच्चों के लिए नहीं हो पाया और मौत का सिलसिला एक के बाद एक शुरू हुआ। ये सब कुछ घंटे तक नहीं चला, बल्कि 36 से लेकर 48 घंटे तक, जिस तरह की खबरें अखबारों में आई हैं, 48 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। और इस बीच लगातार कभी सिलेंडर आता था, कभी ऑक्सीजन आता था, कभी नहीं आता था, कभी मिल पाता था ऑक्सीजन, कभी नहीं मिल पाता था। आप कल्पना कीजिए लापरवाही की, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये घटना। और ये बताती है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारा स्वास्थ्य का तंत्र, वो कितना क्रूर हो चुका है, कितना बेपरवाह और लापरवाह हो चुका है कि बच्चे, मासूम बच्चे एक तरफ मरते रहे और उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाया। और इसके बाद जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिले का जिलाधिकारी राजीव वो बयान देता है कि नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई प्राइवेट फर्म ने बंद कर दी थी, इसलिए बच्चों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी बयान देते हैं कि यह खबर पूरी तरह से झूठी और निराधार है, इसके कारणों का पता लगाया जाएगा और इसकी हाई लेवल इंक्वायरी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपकी हाई लेवल इंक्वायरी तो चलती रहेगी, आप जांच पे जांच कराते रहेंगे और उस जांच की रिपोर्ट तो कूड़ेदान में डालते रहेंगे, हमें मालूम है। लेकिन बावजूद इसके, उन मासूम बच्चों के परिवारों को उनके बच्चे कैसे मिलेंगे? आपकी ये जांच की नौटंकी तो जारी रहेगी, लेकिन उनका परिवार आज जो बिलख रहा है, रो रहा है, उनको, उनकी आत्मा को शांति, उनके परिवार को शांति कैसे मिलेगी? उन बच्चों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जिनको आपने अपनी विभाग की लापरवाही के कारण मौत का शिकार बना दिया? आपका जिलाधिकारी कह रहा है कि लापरवाही हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, प्राइवेट फर्म ने बंद कर दिया, और आप बयान दे रहे हैं, ऐसी घटना पर भी आप बयान दे रहे हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं। इससे भी बढ़ के बड़ा सवाल यह है साथियों कि आखिर हम इन मुद्दों पर सचेत कब होंगे, इन मुद्दों के लिए संघर्ष कब शुरू होगा, इन मुद्दों को लेकर एक सार्थक पहल कब होगी। आज इस घटना के बाद मुझे मालूम है बहुत सारे नेता वहां पहुंचकर अफसोस जताएंगे, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े बयान भी आएंगे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की व्यवस्था बदलेगी? क्या अस्पतालों की बदहाली दूर होगी?
क्या इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी? अगर इन सवालों पर हम जरा सा भी सोचते हैं तो इसका उत्तर बहुत नकारात्मक मिलता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश की राजनीति तो अब इन मुद्दों पर रही नहीं। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की बात तो हम करते नहीं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अलग अलग खानों में बंटकर इस देश की राजनीति चल रही है और उसी नकली नारों के आड़ में ये भ्रष्टाचार का खेल चलता है, ये बदहाली का, ये बर्बादी का खेल चलता है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर पहले तत्काल गोरखपुर के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो हॉस्पिटल में, मुझे मालूम है बहुत सारे साथी अपने वहां पर पहुंचे हैं, वो काम कर रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी वहां पहुंचे, जो भी आपसे आर्थिक, शारीरिक, जैसी भी मदद आपसे, दवाओं की जो भी बन सके, आप वहां के मरीजों को मदद पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए पहले तुरंत काम कीजिए, तुरंत वहां पर उनकी मदद करने के लिए पहुंचिए और इसके बाद एक सार्थक मुहिम, एक उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास हम सारे लोग लामबंद होकर करेंगे, जिससे ऐसी लापरवाही अस्पतालों में आगे से ना हो सके। हमारी सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को सुधारें, स्वास्थ्य विभाग को सुधारें, सिद्धार्थनाथ सिंह जी को मजबूर होना पड़े कि वो बयानबाजी करने के बजाय अस्पतालों कुछ सार्थक कदम उठाएं और इसके लिए हम एक बड़ी पहल उत्तर प्रदेश में करेंगे। लेकिन जो कुछ भी गोरखपुर में हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, वो बुनियादी जरूरतें हैं, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, सड़कें, नालियां, जो हमारी जिंदगी के लिए मूलभूत जो जरूरतें हैं, उसके लिए सरकारों को काम करना पड़ेगा। और अगर सरकारें हमारी बेपरवाह रहती हैं तो उनको काम कराने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश अपराधों का प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है। क्या फर्क आया, क्या परिवर्तन आया? कितनी बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुना था और बीजेपी का नारा था न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन गुंडा राज रुका क्या, अपराध रुका क्या, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई क्या? एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे बड़ी नौटंकी तो की गई, लेकिन आज क्या बच्चियों के साथ छेड़खानी की घटना रुक गई? नहीं, घटना रुकना तो दूर, अभी बलिया के अंदर स्कूल नहीं जाती और 3 महीने के बाद जब स्कूल जाती है तो वो बीजेपी नेता का दरिंदा बेटा अपने साथियों के साथ मिलकर उस मासूम बच्ची का गला रेत कर उसको मार देता है। उस इंटर में पढ़ने वाली छात्रा को दिन दहाड़े जो अपने बहन के साथ जा रही थी उसका कत्ल कर देता है और उसके बाद अपने फेसबुक पर लिखता है कि ऐसी घटनाओं के लिए उसके पिता का उसको समर्थन है। ये किस प्रकार हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी। याद रखना, अगर बेटियां नहीं होंगी तो इस मुल्क में बेटे पैदा नहीं होंगे। तो बेटों की भी जिम्मेदारी है बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इस देश की बेटियों की सुरक्षा। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पर लाल किले से भाषण दिया था, बेटियों को रोकते हो और बेटों को घर से बाहर जाने देते हो, और तब ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री जी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लेकिन जब उनका बजट आता है तो 15 पैसे एक बेटी की सुरक्षा पर बजट में